रिश्तों में पहले जैसी मिठास न रह जाए, जब रिश्तों में पहले सा सामंजस्य न रह जाए, वो जो जिसके साथ साथ जन्म तुमने साथ चलने का स्वप्न देखा हो, वह बात बात में तुम्हें लज्जित करे, अपमानित करे। तुम्हें एक बात तो पता है कि ये रिश्ता अब बहुत ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, फिर भी ये रिश्ता फिलहाल तो जुड़ा हुआ है, और जो जुड़ा हुआ है उसे टूटने से बचाने का हर मुमकिन प्रयास करना चाहिए दोनों पक्ष को। जो दो इंसान इस रिश्ते को जोड़ने का वचन लिए थे, साथ चलने का वचन लिए थे, यह नैतिक दायित्व है कि इस रिश्ते को दोनों मिलकर बचाने का प्रयास करें। कई लोग ऐसे जीवन में आते हैं जो यूं तो बहुत खुश दिखते हैं आप दोनों को देखकर, उन्होंने ही प्रयास किया था जो आप दोनों का रिश्ता जुड़ा, परंतु अब वह हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं कि आप दोनों अलग हो जाए। क्या कहूँ कि आपके दुश्मन आपके अपने ही हैं, और ये बात आप जानते भी हैं। आपको साक्षात पता है कि कौन कौन है जो इस रिश्ते को तोड़ना चाहता है, परंतु क्या करे, कर ही क्या सकती है। महिलाएं अक्सर ज्यादा कमजोर हो जाती है क्योंकि वो अपने घर से हटकर ससुराल में होती है, वहां उनका कोई साथी मित्र नहीं होता, वो हर चीज अकेले करना होता है उसे। घर के काम और जिम्मेदारियों के अलावा यदि ऐसी कोई बात हो जाती है तो इस बात में उसके साथ उस वक्त कोई नहीं होता। तो जहाँ चैलेंजेस महिलाओं के लिए समाज देता है, उसके साथ साथ ये रिश्ता भी दे देता है, और ऐसी स्थिति में ज्यादा करके महिलाओं को ही ये रिश्ता निभाना भी होता है। वह क्रोध में आकर बात बात में इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती है, उसे जोड़कर भी रखना है, प्रेम और सौहार्द भी फैलाना है, अपने ससुराल में इज्जत से रहना भी है, अपने मायके में भी अपना नाम बनाए रखना है। तब ऐसी परिस्थिति में महिला अकेले होते हुए भी क्या कर सकती है, ना वो बाहर जा सकती है, ना बहुत बड़ा कोई यज्ञ हवन करवा सकती है, ना कोई बहुत बड़ा उपाय कर सकती है जिसके लिए बहुत सारी सामग्री की आवश्यकता पड़े, क्योंकि ऐसा करने के लिए भी कभी कभी मेरी बहनें मुझे लिख रही हैं कि दीदी मैं घर से बाहर नहीं जा सकती, आपने जल में प्रवाहित करने को कहा परंतु मेरे घर के बाहर जल है, मैं घर से बाहर नहीं जा सकती, आपने ये लाने को कहा मैं नहीं ला सकती, घर में सब सवाल पूछेंगे। मतलब महिलाओं के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं कि वह बताई गई सामग्री तक को लाने के चैलेंजेस हैं, उपाय करना और उसके परिणाम को सुखद रूप से वहन करना तो बहुत दूर की बात है। चलिए मैं कहती हूँ कि आपके पास एक ऐसी चीज है, जादुई चीज, जो रिश्ता जुड़ने के बाद ही आपने प्रयोग में लाना प्रारंभ किया है, परंतु वह जादुई चीज अब आपके इसी टूटते इसी बिखरते रिश्ते को क्षण भर में सुधार देगा। जो पति आपको अपमानित कर रहा है, बार बार अहंकार में आकर आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, अब वह सुधर जाएगा, उसकी जुबान सुधर जाएगी, और साथ ही सुधर जाएगा आपका ये विश्वास भरा रिश्ता। कौन सा ग्रह है जो बार बार इस रिश्ते को तोड़ने का प्रयास करता है परंतु टूट नहीं रहा? आपको ऐसा लग रहा है कि ग्रह बहुत ज्यादा बिगड़ गए, अब रिश्ता खत्म हो जाएगा? हाँ, ये शुक्र है। परंतु जब भी रिश्तों में बहुत ज्यादा बहस हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, मामला बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है, और अब ऐसा लग रहा है जैसे कि कई लोग मिलकर खंडित कर रहे हैं इस रिश्ते को, तो वह साक्षात मंगल है। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जिसमें शुक्र और मंगल एकमात्र उपाय से सुधर जाएगा, सवर जाएगा। ना आपको बाहर जाने की आवश्यकता है, ना ही ऐसी कोई कीमती चीज लाने की आवश्यकता है, ना ही किसी चीज को जल में प्रवाहित करना है, ना बाहर जाना है, ना कुछ जलाना है। एक रिश्ता है जो बिगड़ रहा है, उस रिश्ते को सुधार देना है। एक ग्रह है जो आपके प्रतिकूल हो गया है, चलिए एक छोटे से प्रयोग से उस प्रतिकूल ग्रह को आपके अनुकूल करते हैं। सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ सीधे राह पर आ जाएगा, और देखिए कैसे प्रेम भरा संसार आप बसाती हैं। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी है मेरी बहनों, मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है, ऊपर वाले की प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों,
मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा अवश्य बने ताकि जो पहुंचाने आई हूं आप तक वह पहुंचे सीधे आप तक। देखो अक्सर होता क्या है, गलती क्या होती है, काम इधर करना है तुम जा रहे हो उधर, तुम्हें जिस दिशा में जानी है, जिधर मंजिल है तुम्हारी, तुम उस दिशा में नहीं जा रहे हो, तुम विपरीत जा रहे हो, फिर जाते रहो, समय भी बर्बाद हो रहा है और तुम्हें मंजिल मिल भी नहीं रही। जो ग्रह बिगड़े हैं सीधा उस ग्रह पर वार करते हैं, वह ग्रह सुधर जाएगा, स्थितियां सुधर जाएंगी, तुम्हें ना कहीं जाना है, ना कुछ लाना है और ना ही कोई ऐसा कार्य करना है। आज हमने मंगल और शुक्र की बात की है, केवल दो चीज तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगी, ये जो दाम्पत्य सुख नहीं मिल रहा है तुम्हें, या जो घर में अपमानित की जा रही हो तुम, या जो बार बार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अब तुम्हारा दम घुट रहा है इस रिश्ते में, तुम इससे निकलना चाह रही हो, यह सब परिस्थितियां तुरंत से शांत हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। हाँ मैं कहती हूँ कि तुम्हारे पास वो जादुई चीज है, क्या चीज है वो, वह है तुम जो रोज प्रयोग में लाती हो, तुम्हारी सिंदूरदानी की थोड़ी सी सिंदूर, तुम्हारी खुद की। देखो सिंदूर कभी किसी से मांग कर मत ले आना, किसी की सिंदूर का रंग अच्छा देखो तो कहो मुझे भी पेपर में थोड़ा सा ढाल के दे दीजिए, मैं भी लगाऊंगी, ये सब मत करना। कभी कोई तुमसे मांग बैठे थोड़ा सा अपना सिंदूर दे दीजिए तो वो कभी मत देना, कुछ चीजें साझा मत करना। बहुत सारे टोटके इससे जुड़े होते हैं, कौन घर जाकर आपके सिंदूर के साथ क्या करेगा वास्तव में आप जानते ही नहीं, और ये सब उसका भी परिणाम होता है, खैर ये अलग बात है, किसी ने कुछ किया कराया कर दिया हो तो अलग बात है। पांच लौंग ले लेना शुक्रवार की रात्रि को, किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को चुनना, कृष्ण पक्ष में कोई भी उपाय ना करे। पांच लौंग ले आना, खरीद कर ले आना, पहले से ली हुई पैकेट से भी निकाल सकती हो, परंतु किचन में जो जिसे लगातार खाया जा रहा है जिस मसाले की दाने से, उससे मत निकाल लेना, पूजा रूम में रखती हो तो वहां से ले लेना, शुक्रवार की रात्रि हो। 6:30 बज जाए शाम के, गोधूली बेला बस पार हो, सूर्यास्त हो, वो जो टाइम होता है जिस वक्त महिलाएं दियाबाती करती है घर में, बस उसी वक्त पांच लौंग और अपनी सिंदूरदानी जिससे तुम प्रतिदिन सिंदूर अपने मांग पर लेती हो, वह लेकर पूजा रूम चली जाना। कोई स्पेशल देवी देवता के सामने नहीं खड़े होने, जहां तुमने मूर्तियां तस्वीरें लगाए रखी है बस वहीं खड़े हो जाना। पांच लौंगों को एक एक करके सिंदूरदानी खोल लेना, अपने पार्टनर का नाम ले लेकर पांचों लौंगों को सिंदूर में बिल्कुल अंदर डाल देना, बिल्कुल सिंदूर फिर ऊपर से ढक देना, दिखाई भी तुम्हें ना दे। पांचों लौंग को पांच बार अपने पार्टनर का नाम लेकर रख देना। डिबिया बंद करने से पहले तुम्हारी जो भी इच्छा है परमात्मा के सामने सिंदूर को देखकर वह शब्द कह देना। जो परिस्थिति हो जाए जिसकी तुम कल्पना कर रही हो, उस कल्पना के साथ सारी बातें कह देना, सब कुछ ठीक हो गया है, अब मेरा पति मुझसे बहुत प्रेम करता है, मुझे कभी अपमानित नहीं किया जाता, वह मेरे साथ चल रहा है, वह मेरे सुख दुख का साथी है और हम दोनों साथ में बहुत अधिक प्रसन्न हैं, ऐसा कहकर सिंदूर की ढक्कन को बंद कर देना और पूजा रूम में रख देना, वहीं रख देना। अगले दिन शनिवार को जब तुम प्रातः स्नान करके पूजा करने के लिए आओगी तो पूजा पाठ कर लेना और इस सिंदूर की दानी को खोलकर इसके सिंदूर को पूर्व की दिशा की ओर चेहरा करके अपने पार्टनर का नाम लेकर ही अपने मांग में भरना। यह तो एक दिन की बात हुई, उसके बाद इस सिंदूर को लेकर अपने कमरे में चले जाना और ये वही रहेगा। अब ये लौंग कम से कम 21 दिन और अधिक से अधिक 43 दिन तुम्हारे सिंदूर के अंदर रहेगा। खत्म हो जाए सिंदूर, कम होने लगे तुम ऊपर से भर देना, लौंग मत निकालना। 43 दिनों के बाद इस लौंग को तुम निकाल देना, कागज में मोड़ देना और किसी भी ठंडी जगह पे, अब देखो ठंडी जगह क्या होती है, दो या तो फूल पौधे के गमले जिसमें रोज पानी पड़ते हैं उसे खोदकर तुम इसे अंदर डाल सकती हो, और नहीं तो नदी या कोई भी जल। अब जिन बहनों को बाहर जाने से समस्या है, जल में नहीं कर सकती प्रवाहित, वह घर में कोई भी प्लांट लगा रखी हो उसके गमले में, फूल पौधे में जिसमें रोज वो पानी डालती हो, अंदर डाल देना या जल में प्रवाहित कर देना। देखो स्थिति कैसे ठंडी हो जाती है, देखो कैसे मामला ठंडा हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हारा पति रहेगा तुम्हारे वश में। अवश्य करें और अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। जो गुस्सा कर रहा है ना तुम पर, जो क्रोध कर रहा है तुम पर, इस रिश्ते को बार बार तोड़ने की धमकी दे रहा है, देखो उसकी स्थिति क्या होती है।
सिंदूर को बिखेरना, कभी मत लगाने के समय उसकी अवस्था मत बिगाड़ना, और पेपर में तुमने जो लौंग फोल्ड किया था उसे खोलकर सिर्फ लौंग को डालना ठंडे में। जरूर करें, अपना अनुभव मेरे साथ साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।